भूत प्रेत कुछ नहीं होते काका, सब कहानियां हैं। और फिर हम तुम्हारे साथ हैं, डर किस बात का? मेरी माँ बचपन में कहती थी कि खंडरों में भूत होते हैं। अबे ओ उल्लू के पट्टे, फिर से बीन बनाना शुरू किया? चुप रह नहीं तो गला घोट दूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड की एक बहुत ही जबरदस्त मूवी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है ऐलान। दोस्तों, ऐलान साल 1971 की बॉलीवुड साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन के रमनलाल ने किया है। फिल्म में विनोद मेहरा, रेखा, विनोद खन्ना और मदन पुरी है। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता, माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना, नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता, माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2, अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3, पकी राहें मेरे बारे में क्या है,
शारदा, मोहम्मद रफी। 4, 8 में 8 को जमा करो, हमें डालो शुद्ध शारदा। और नंबर 5, आज तुम्हारे कान में कह तू मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है, जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है, जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता, माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना, नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता, माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में, जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2, अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3, पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4, 8 में 8 को जमा करो, हमें डालो शुद्ध शारदा। और नंबर 5, आज तुम्हारे कान में कह दू मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है, जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है, जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है।
वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2, अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3, पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4, 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5, आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है, जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है, जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस,
इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अन से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है।
इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ।
तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, एम बी शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना, नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता, माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अन से अन लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुधर, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, एम बी शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना, नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता, माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अन से अन लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुधर, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं।
वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है, जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है, जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है, जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है, जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं।
मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए सीबीआई के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा नरेश कुमार सक्सेना राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना माला मेहता मैरी के रूप में रेखा श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ एम बी शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा प्रोफेसर के रूप में जानकी दास लिली के रूप में हेलेन दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल पहलवान के रूप में हरक्यूलिस इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है जरीना मेरा नाम है शारदा 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान लता मंगेशकर 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है शारदा मोहम्मद रफी 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध शारदा और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए सीबीआई के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा नरेश कुमार सक्सेना राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना माला मेहता मैरी के रूप में रेखा श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ एम बी शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा प्रोफेसर के रूप में जानकी दास लिली के रूप में हेलेन दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल पहलवान के रूप में हरक्यूलिस इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ।
तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्धा, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्धा, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा।
वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अन से अन लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दू मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ,
एमबी शेट्टी बॉस के रूप में, मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना, नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता, माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में, जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक है। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, एमबी शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना, नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता, माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में, जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं।
श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना, नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता, माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2, अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3, पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4, 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5, आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं।
श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा नरेश कुमार सक्सेना राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना माला मेहता मैरी के रूप में रेखा श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ एम बी शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा प्रोफेसर के रूप में जानकी दास लिली के रूप में हेलेन दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल पहलवान के रूप में हरक्यूलिस इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है जरीना मेरा नाम है शारदा 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान लता मंगेशकर 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है शारदा मोहम्मद रफी 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध शारदा और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा नरेश कुमार सक्सेना राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना माला मेहता मैरी के रूप में रेखा श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ एम बी शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा प्रोफेसर के रूप में जानकी दास लिली के रूप में हेलेन दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल पहलवान के रूप में हरक्यूलिस इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है जरीना मेरा नाम है शारदा 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान लता मंगेशकर 3
पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा मोहम्मद रफी। 4-8 में 8 को जमा करो, हमें डालो शुद्ध शारदा। और नंबर 5, आज तुम्हारे कान में कह तू मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है, जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है, जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2, अन से अन लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3, पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा मोहम्मद रफी। 4-8 में 8 को जमा करो, हमें डालो शुद्ध शारदा। और नंबर 5, आज तुम्हारे कान में कह दू मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है, जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है, जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है।
उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता, माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता, मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना, नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता, माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2, अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3, पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4, 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5, आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है, जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है, जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता, माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता, मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना, नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता, माला के पिता,
ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में, जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में, जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है।
दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं।
शेष कहानी बॉस वर्मा राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, एम बी शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक है। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, एम बी शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा।
और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है, जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है, जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना, नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता, माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2, अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3, पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4, 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5, आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है, जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है, जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं।
इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अन से अन लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान
पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दू मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक है। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दू मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक है। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है।
एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना, नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता, माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में, जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2, अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3, पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4, 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5, आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना,
माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, एम बी शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, एम बी शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं।
एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है, जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है, जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है, जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है, जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं।
मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए सीबीआई के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, एम बी शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अन से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए सीबीआई के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, एम बी शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ।
तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना, नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता, माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा।
वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अन से अन लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुधर, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ,
एमबी शेट्टी बॉस के रूप में, मदन पुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना, नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता, माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में, जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दू मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को 2 अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस, वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना, नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता, माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में, जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना, सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा, मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दू मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं।
श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा, राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश, श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा, नरेश कुमार सक्सेना, राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना, माला मेहता मैरी के रूप में रेखा, श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ, MB शेट्टी बॉस के रूप में मदन पुरी, श्रीमान के रूप में वर्मा, प्रोफेसर के रूप में जानकी दास, लिली के रूप में हेलेन, दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ, ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता, ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल, पहलवान के रूप में हरक्यूलिस, इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान, पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज, संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है, जरीना मेरा नाम है, शारदा। 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान, लता मंगेशकर। 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है, शारदा मोहम्मद रफी। 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध, शारदा। और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है, आशा भोसले। तो दोस्तों, नरेश कुमार सक्सेना अपनी विधवा माँ और बहन सीमा के साथ रहते हैं। वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम करते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात माला मेहता और उसके पिता से होती है जो एक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री मेहता नरेश को काम पर रखता है और उसे एक सुदूर द्वीप पर जाकर जांच करने और वहां कुछ अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करने का काम सौंपता है। नरेश अपने दोस्त श्याम के साथ वहां जाता है। दुर्भाग्य से वे द्वीप रक्षकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और लिली उन्हें गिरोह के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इनकार करने पर नरेश को दो अन्य लोगों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा राम सिंह, एक गुंडा। वैज्ञानिक नरेश को विश्वास दिलाता है कि उसने एक परमाणु अंगूठी का आविष्कार किया है जिसे किसी के मुंह में डालने पर वो व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नरेश अंगूठी अपने मुंह में डालता है, अपने कपड़े उतारता है, अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने की खबर से अंडरवर्ल्ड और बॉस और मिस्टर में हलचल मच जाती है। वर्मा नरेश को ढूंढने, उसे मारने और अंगूठी अपने पास रखने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राम सिंह और लिली को बंबई भेजा। नरेश और श्याम बंबई लौट आए और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। इसी बीच गुंडे मिस्टर को मार देते हैं। मेहता माला ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में शामिल हो गई। नरेश और श्याम भी गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के लिए काम करना शुरू कर देते हैं।
श्याम एक अखबार में एक क्लब के विज्ञापन में लिली को पहचानता है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए भेष बदल कर निकल पड़ते हैं। शेष कहानी बॉस वर्मा राम सिंह और गिरोह के खिलाफ नरेश श्याम और माला के संघर्ष पर केंद्रित है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो विनोद मेहरा नरेश कुमार सक्सेना राम सिंह के रूप में विनोद खन्ना माला मेहता मैरी के रूप में रेखा श्याम के रूप में राजेंद्र नाथ एम बी शेट्टी बॉस के रूप में मदनपुरी श्रीमान के रूप में वर्मा प्रोफेसर के रूप में जानकी दास लिली के रूप में हेलेन दुलारी श्रीमती के रूप में सक्सेना नरेश की माँ ब्रह्म भारद्वाज श्रीमान के रूप में मेहता माला के पिता ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में बीरबल पहलवान के रूप में हरक्यूलिस इफ्तेखार पुलिस प्रमुख के रूप में जॉकी के रूप में राशिद खान पुलिस निरीक्षक के रूप में जगदीश राज संजना सीमा सक्सेना और वैम्प के रूप में सबीना। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनाब ए मन सलाम है जरीना मेरा नाम है शारदा 2 अंग से अंग लगा ले सांसों में है तूफान लता मंगेशकर 3 पकी राहें मेरे बारे में क्या है शारदा मोहम्मद रफी 4 8 में 8 को जमा करो हमें डालो शुद्ध शारदा और नंबर 5 आज तुम्हारे कान में कह दूं मेरे दिल में क्या है आशा भोसले। तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त मूवी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी एक बार इस मूवी को जरूर देखें।